कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। संगठन के प्रभारी पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CWC ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष की नेता की भूमिका निभाने की अपील की है। संसद के अंदर इस कैंपेन को लीड करने के लिए राहुल जी सबसे सही व्यक्ति हैं। राहुल जी इज द बेस्ट पर्सन टू लीड दिस कैंपेन इनसाइड द पार्लियामेंट। दिस इज व्हाट द CWC's व्यू। दैट आई थिंक एंटायर CWC फील दैट इन द करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अ बेटर एंड स्ट्रांग विजिलेंट ऑपोजिशन those who want to protect constitution also should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. वेणुगोपाल से पूछा गया कि इस प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही। उन्होंने इस पर बताया कि इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वो विचार करेंगे। कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, यही सबकी मांग है और यही कांग्रेस को मजबूती देगा। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से अपेक्षा की है तो उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पूरी की है। आज कांग्रेस पार्टी उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज़ संसद में उठाएं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि वो सबने यही बोला कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, यही होना भी चाहिए। बता दें कि निचले सदन में पार्टी संसदीय दल का नेता ही नेता प्रतिपक्ष होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के योगदान की भी सराहना की गई। इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया। सभी का मानना था कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वो देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी नतीजे साबित हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का बहुत विशेष जिक्र हुआ। ऐसे महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों का भी जिक्र हुआ, पर मैं ये कहना चाहता हूं आज की बैठक में भावना सकारात्मक था, मनोबल बढ़ा है। ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक महाबूस्टर डोज है। ये प्रधानमंत्री जो अभी कल प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण हो रहा है, अभी तो कार्यवाहिक प्रधानमंत्री ही हैं, उनके लिए व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक हार है। विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कार्य समिति के अन्य सदस्य व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।